मानी रही असलकुम नाजिम, नीलम शहजादी आपकी खिदमत में हाजिर है नई रेसिपी लेके। तो आज की मेरी रेसिपी है आलू और मटर वाले चावल। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए 2 किलो मटर जो मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है, धो लिए हैं। आधा किलो आलू, इनको भी धो के काट लिया, ठीक है। और 3 से 4 प्याज जिनको मैंने काट लिया, 3 टमाटर, हरी मिर्चें 6-7, और अदरक भी कटी हुई, और 1 से 1.5 प्याली ऑयल, 3 चम्मच सूख मिर्च, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, और 1.5 चम्मच साबुत गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, ठीक है। तो वैसे तो आलू बच्चे शौक से खाते नहीं हैं, मटर तो इस तरह अगर आलू और मटर इकट्ठे डाल जाएंगे तो बच्चे शौक से भी खा लेते हैं, ठीक है। और 2 किलो चावल है जिनको मैंने धो के रख दिया, ठीक है, वॉश कर दिया उनको। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये ऑयल को डेचके में डालेंगे, जब से ये गर्म होगा तो इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑयल था वो हम देखके में डालेंगे, जैसे ही गर्म होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम ब्राउन होने देंगे, ये प्याज अब हमारे ब्राउन हो गए, तो हम क्या करेंगे, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च डाल देंगे। इसको हम भून लेंगे अब साथ, और अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये मसाले थे जो वो सारे डाल देंगे। थोड़ा सा मैं अब इसमें पानी डालूंगी कि टमाटर हमारे साबुत ना रहे, ठीक है, ये अच्छे से गल जाएंगे। थोड़ा सा इनको गला लें पहले 5 से 10 मिनट जी। अब हमने मसाले को भून लिया, टमाटर हमारे गल गए, तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम मटरों को डालेंगे, ठीक है। आगे भी मैं मटर चावल की रेसिपी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन आप दोबारा फरमाइश आई थी तो अब मैं दोबारा बना रही हूँ, ठीक है। तो अब पहले हम अच्छी तरह मटरों को भूनेंगे, आलू बाद में डालेंगे। मटरों को अच्छी तरह मैंने भून लिया, तो अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, आलू इसलिए बाद में डालें, ठीक है। आप आलूओं को साथ में भून लूँगी अच्छी तरह। अब आलुओं को भी मैंने अच्छे से इनके साथ भून लिया, तो अब मैं क्या करूँगी, हमारे 2 किलो तकरीबन 2.25 किलो चावल थे, 7 गिलास चावल थे, तो क्या करेंगे हम 7 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। अब 7 गिलास मैंने पानी डाला, ठीक है। तो जैसे ये हमारे आलू मटर गल देंगे, तो इसमें हम चावल डाल देंगे, 7 गिलास चावल, 2.25 किलो चावल धो के मैंने रख दिए मैं, ठीक है। चावलों को वॉश कर लिया, वह 15 से 20 मिनट हो चुके हैं चावल को भिगोए हुए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे इनका गल जाएंगे दोनों चीज़ें जी। अब मैंने चेक किया तो हमारे मटर गल चुके हैं और पानी को उबाले भी आ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें चावल डाल देंगे, 7 गिलास जो मैंने धोए हुए हैं जी। अब मैंने चावल डाल दिए, तो क्या करेंगे, चावलों को सारों को अच्छी तरह से बराबर कर लेंगे, जैसा कि कहीं से कच्चे पक्के नहीं रहे, ये मिक्स करेंगे इनको, ठीक है। अब मैं इनके ऊपर ढक्कन दे दूँगी, जैसे ही हमारा चावलों का पानी खुश्क होगा तो हम इसको दम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा सारा चावलों का पानी खुश्क हो चुका है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और चावलों को सबको हम एक जैसा कर लेंगे दम लगाने से पहले, 10 मिनट का मैं दम लगाऊंगी, कि कच्चे पच्चे ना चावल सारे पोल लें एक दफ़ा नीचे से ऊपर तक। तो अब क्या करूँगी, मैं इनको दम लगा दूँगी जी। 10 मिनट के लिए मैंने दम लगा दिया रुमाल के साथ, आप देख सकते हैं। तो 10 मिनट तक इंशाल्लाह हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल हो चुके हैं कि नहीं। चावल हमारे तैयार हो चुके हैं जी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इतनी प्यारी हमारी रेसिपी तैयार हुई है।
तो अब मैं आपको चेक करवा दूं चावल जी। रेसिपी रेडी है हमारी, आलू और मटर वाले चावल। ठीक है, आप देख सकते हैं फरमाइश आई थी बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स की, तो इसलिए फरमाइश पे बनाया मैंने। तो अगर आप लोगों को नीलम शहज़ादी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भेजा करें। मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो नीलम शहज़ादी को दुआ में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।